नर्सिंग समुदाय के सभी भाइयों बहनों को नमस्कार प्रणाम। साथियों, सबसे पहले इस नव वर्ष के नए दौर में नर्सिंग जगत में कुछ नए और मूलभूत बदलाव आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस नव वर्ष में एक नया आगाज हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। साथियों, आप सब जानते हैं कि हम लगातार 80/20 के विरुद्ध एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि सारे नर्सिंग लीडर्स, सारे यूनियन, सारे एसोसिएशन, सारे इंस्टीट्यूट बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने लगातार पिछले कुछ दिनों में इस 80/20 के विरुद्ध कैंपेनिंग की है। इसके तहत पोस्टकार्ड कैंपेन हो, चाहे सिग्नेचर कैंपेन हो, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, या फिर अब कल होने वाला आरटी अभियान। साथियों, अभी तक के सारे कैंपेनिंग के अंदर आप सभी व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इन सभी कैंपेनिंग को सफल बनाया है। कल होने वाले आरटी अभियान के तहत हमारे खिलाफ जो काला कानून लाया गया है, उसके खिलाफ हम हमारे अधिकार, सूचना का अधिकार का उपयोग कर करके सरकार से, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट काउंसिल से, या फिर अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उन सब से हम आरटीआई के तहत, हमारे अधिकार के तहत सवाल करेंगे कि इसके तहत क्या जरूरत थी इसको लाने की, क्यों इसको लाया गया, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंटेशन करना था, इसको लेकर के कई सारे सवाल हम एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से करने वाले हैं। साथियों, बहुत अच्छा लगता है कि हम सब मिल करके यूनिटी के रूप में मजबूत तरीके से इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति नर्सिंग का चाहे किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण इस लड़ाई में योगदान दे रहा है। कोई किसी अलग रूप में प्रयास कर रहा है, कोई किसी तरीके से प्रयास कर रहा है, सबके नए नए सजेशंस मिल रहे हैं, सुझाव मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बहुत इस तरह का रेस्पॉन्स देख करके बहुत अच्छा लगता है और सभी व्यक्ति इस लड़ाई के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी से ये अपेक्षा करते हैं कि इस लड़ाई के अंदर आप सभी भी अपना योगदान दें और इस अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस काले कानून के खिलाफ इस लड़ाई के अंदर आहुति दें और इस 80/20 के विरुद्ध इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करें। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं दोस्तों, आरटीआई किस तरह से लगानी है, आपको किस तरह के सवाल करने हैं, क्या किस तरह के हो सकते हैं, लगातार जितने भी सजेशंस आए हम आप सबको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम आपको बता भी रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आरटीआई किस तरह से लगाई जा सकती है। साथियों, महत्वपूर्ण हथियार है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, इस करप्ट और लौजी सिस्टम के खिलाफ आरटीआई जो है एक महत्वपूर्ण हथियार है। हम सब इसके लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, कई सारी जानकारियां इसके तहत निकाली भी जा चुकी है और हम बहुत पहले से इसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं और आप सब भी इसका जरूर उपयोग करें और इस कल होने वाले 11 जनवरी को होने वाले आरटीआई कैंपेन को सफल बनाएं। धन्यवाद।